हेलो क्लास सेवन चैप्टर वन इंटीजर पार्ट टू। तो पार्ट वन में मैंने स्टूडेंट्स आपको इंटीजर के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पार्ट टू में देखेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी इफ़ वी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट देन वी गेट अ इंटीजर। अगर हम किसी भी टू इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक इंटीजर ही होगा। सपोज दैट हेयर ए एंड बी टू इंटीजर्स, इफ़ वी एडेड ए प्लस बी, अगर ए बी को हम ऐड करते हैं, सपोज दैट मुझे मिलता है सी, तो सी एक हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करने पे सपोज दैट डी आता है, तो सी और डी भी क्या होगा, दोनों हमारे क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। नाउ टेक अ एग्जांपल, अभी एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू -5। ओके, यहाँ पे हम टू इंटीजर ले लिए हैं ए और बी की, ए की वैल्यू लिया है 3 और बी की वैल्यू है -5। व्हेन वी एडेड ए प्लस बी 3 प्लस -5, दैट इज़ वी गेट 3 -5 इक्वल -2। अब देखिए -2 हमारा क्या है, इंटीजर ही है। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट में इसे सॉल्व करें a माइनस बी 3 माइनस सब्ट्रैक्ट माइनस, वी गेट 3 -- +5, 3 प्लस 5 8 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ओके स्टूडेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यही होती है कि इफ़ द एडेड एनी टू इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्ट देन वी गेट अ एन इंटीजर, मीन जो रिजल्ट आपका होगा वो एक इंटीजर ही होगा। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या स्टूडेंट्स होता है, इसमें भी आपको टू इंटीजर लेने होते हैं। इफ़ यू टेक द एनी टू इंटीजर एंड वी एडेड द एनी ऑर्डर देन वी गेट द रिजल्ट इज अ इंटीजर, मीन अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में तो जो आपका रिजल्ट होगा वो एक इंटीजर ही होगा। बट यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए प्रॉपर्टी अप्लाइबल नहीं होती, ओनली फॉर एडिशन। सपोज दैट ए एंड बी हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर हो गए, तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करें, मीन अगर हम फर्स्ट ऐड करना चाहें इसे ए प्लस बी, देन अगेन चेंज द ऑर्डर, मीन यहाँ ए प्लस बी है, अब ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। इस केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। मीन कुछ यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें मिले वो एक एज ए इंटीजर के फॉर्म में ही होगी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो गई ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। अब इसको वेरीफाई करते हैं एग्जांपल से। सपोज दैट हेयर वी टेक ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू -2, देन फर्स्ट वी एक ए प्लस बी, मीन -1 प्लस -2, वी गेट -1 -- +2, वी गेट -3, एंड व्हेन द चेंज द ऑर्डर, मीन बी प्लस ए, वी गेट -2 प्लस -1, वी गेट -2 प्लस -1 इक्वल टू -3, दैट इज हेयर वी गेट ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। बोथ केसेस में हमारा रिजल्ट कैसा होगा, सेम होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई भी आपको करके दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन सेकंड आपका है आइसोसेटिव प्रॉपर्टी। आइसोसेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आपके टू इंटीजर्स होते हैं बट आइसोसेटिव में आपके 3 इंटीजर्स होते हैं। मीन हेयर ए कामा बी कामा सी, हेयर ए बी सी आर 3 इंटीजर्स एंड इफ़ द एडेड द एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम इनको किसी भी ऑर्डर में, तीनों इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो सेम होगा। यही हमारा होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे राइट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, अब एग्जांपल से अगर इसको हम वेरीफाई करें तो यहाँ पे आपको ए बी सी की प्लेस पे कोई इंटीजर प्लेट करना होगा, मीन ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा होगा ए प्लस बी प्लस सी, मीन 1 प्लस
टू प्लस थ्री, वी गेट वन, टू प्लस थ्री फाइव, वी गेट सिक्स, एंड अगेन चेंज द ऑर्डर, ए प्लस बी प्लस सी, देन वन प्लस टू प्लस सी, वन प्लस टू थ्री, एंड सी की वैल्यू कितनी है थ्री, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। तो बोथ रिजल्ट हमारा कैसा है, सेम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी हो गई थ्री प्रॉपर्टीज इसकी इंटीजर्स की। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से वीडियो को टू या थ्री टाइम देखेंगे और फिर इटसेल्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में आपसे इस तरह से प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा टू प्लस थ्री इक्वल टू प्लस थ्री, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन होता है स्टूडेंट्स, व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। मीन जीरो में अगर हम कोई इंटीजर्स ऐड करते हैं, सपोज दैट ए, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ये तो आपको पता है, जीरो में किसी भी नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें इटसेल्फ नंबर मिलता है। इसी को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। मीन जीरो प्लस ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए। दैट इज़ अगर हम यहाँ ए की कोई वैल्यू लेते हैं, जीरो प्लस थ्री, दैट इज़ वी गेट थ्री। जीरो माइनस थ्री इजक्ल टू माइनस थ्री, और ये दोनों हमारे क्या है, हमारे इंटीजर है। ओके, इसी तरह